अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाने वाले केमोई सेवई। इसके अंदर डालेंगे एक टेबलस्पून घी, असली घी। फिर इसके अंदर डालेंगे सेवैयाँ और उसको भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, भूनेंगे अच्छे से। ये कुछ पाव किलो है, आज हम लोग पाव किलो की केमामी सेवई बनाने वाले हैं। टेस्टी टेस्टी। मीडियम फ्लेम पे इसको भूनना है। हम लोग असली घी से इसलिए भून रहे क्योंकि हम लोग को असली घी बहुत पसंद है। असली घी में कोई भी खाने का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है ना महक? हाँ, मुझे तो असली घी बहुत पसंद है। आप लोग भी कमेंट करके बताना आप लोग को असली घी पसंद है या नहीं पसंद है। हमारे घर में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको असली घी पसंद ही नहीं है, जैसे मुझे, जैसे मुस्कान को नहीं पसंद है। हाँ, महक भी नहीं खाती असली घी को। जैसे कि आप देख सकते हो अभी थोड़ा सा ब्राउन हुआ है, अभी इसको और थोड़ा भुनना है, गोल्डन ब्राउन करना है। आज मेरी मेहंदी का कलर ही सेम मुझे लगाई है मुस्कान ने। अब आज की ब्लॉग में देख ही सकते हो, आज हम लोग जुमेरात बाज़ार गए थे, वहाँ पे मैंने मेरी मेहंदी दिखाई हूँ। बहुत प्यारा है, बताओ। अभी और काला होना बाकी है। नहीं, वो अभी जस्ट अभी मुस्कान ने मुझे पैर में लगाई है, फिलहाल तो वो गीली है। मुझे जाना है घर, इसके हम रेसिपी बना रहे थे। तो क्या हुआ, रेसिपी जरूरी थोड़ी सी, रेसिपी के साथ कुछ और भी होना चाहिए। मुझे घर जाने का लेट हो रहा है, इसलिए मैं मेहंदी लगा के फटाफट सेवई बनाने खड़ी हो गई। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है जो हम लोग अभी, मम्मी मुझे बताएंगे असली घी में बना रहे हम लोग कैसे खाने का। तुम लोग मत खाओ, मैं और जीजू खाएंगे। इतना सारा जीजू को पसंद है वो, मम्मी खाएंगे, पप्पा खाएंगे, महक और मैं नहीं खा पाएंगे। मत खाओ, असली घी खाना चाहिए। लेकिन हम लोग नहीं खाते ना, खाना चाहिए। देखो ये गोल्डन ब्राउन हो गई है, अभी बस हम लोग फ्लेम को बंद करने वाले हैं और इसको एक प्लेट में निकालेंगे और इसी कढ़ाई में वापस बनाएंगे इसे क्लीन करके। ज़्यादा बर्तन ना निकालो। अभी हम लोग इसको निकाल दिए और इसी कढ़ाई को धो के वापस से यूज कर लेंगे ताकि इसी में अच्छे से बन जाए। ओह, बहुत गर्म है कढ़ाई, छोटी छोटी सी सेवई। अभी हम गैस ऑन कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे वापिस टेबल स्पून प्योर असली घी। मुझे गोवर्धन की ज़्यादा पसंद है, इसलिए हम गोवर्धन खाते। इसमें डालेंगे हम 3 हरी इलायची छोटी वाली। अभी इसमें डालेंगे, अभी इसमें डालेंगे पाव किलो शक्कर। मेरे घर में मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं मेरे हस्बैंड, खास करके उनको बहुत ज़्यादा मीठा चाहिए होता है। इसके लिए शक्कर आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिसको जितना मीठा पसंद हो। पिघल के गाढ़ी हो जाएगी फिर तो। हाँ, तो फिर चाशनी वाली उसी को तो कहते हैं कि मामी से वही स्मेल। अभी इसमें डालेंगे हम 1 छोटा गिलास पानी, ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि शीरा गाढ़ा होना चाहिए। इसको चलाते रहना। अभी इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा केसर
किस लिए डालोगे? कैसे कलर आने के लिए, इससे कलर अच्छा आएगा और हमारी सेवई बहुत खूबसूरत नजर आएंगी। अब इसे हिला देना है और चाशनी पकने तक हम करेंगे इंतजार। चलो अब इसको पकने के बाद, चाशनी पकने के बाद मिलते हैं। अभी मैं लेकर आई हूँ मम्मी को, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। अभी मम्मी बताएंगे चाशनी कैसे बनेगी। मम्मी देखो चाशनी बराबर है। हम लोग हम वैसे भी मम्मी की सिवा कोई काम ही नहीं होता है। मीठा सच मम्मी के हाथ का अच्छा है। कैसी होना चाहिए बताओ तुम? इसकी सेवई भी मम्मी की अच्छी, मतलब तार वाली चाहिए। हाँ अच्छी, एक तार के दो तार। मम्मी ने बोले अभी शक्कर थोड़ी कम है, इसके लिए मेरे हस्बैंड के हिसाब से अभी मम्मी ने और 5-6 टेबल स्पून शक्कर डाल के। बाप रे, जीजू का तो पता है ना, जीजू को कितना मीठा खाना रहता है। अभी इसमें हम लोग डालेंगे 100 ग्राम खोआ, 1/2 किलो की सेवई में। जिस आपको जितना खोआ डालना है डाल सकते हो अपने हिसाब से, जितना अच्छा डालेंगे उतना टेस्ट अच्छा। पर हम लोग 100 ग्राम खोआ डाल रहे हैं 1/2 किलो की सेवई। क्योंकि चाशनी पकती है तो ऐसी ही गाढ़ी होती है। अभी ये थोड़ी और गाढ़ी होंगी क्योंकि अभी ये तार वाली नहीं है। और मम्मी रमज़ान में जब भी सेवई बनाते हो, आपने ब्लॉग देख चुके होंगे, मम्मी हमेशा इसको असली घी में ऐसे फ्राई करके स्टोर करके रखते हैं। मम्मी के पास कम से कम ऐसे एक बड़ा डब्बा भरा हुआ हमेशा मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को सेवई में ऐसे ही पसंद है मम्मी, इसलिए हम लोग के लिए ऐसा डालने। हाँ मम्मी है ना, हमेशा ऐसे ही फ्राई करके रखते हैं, डब्बे में स्टोर करके रख देते हैं। कुछ भी मीठा बनाओ तो डाल लो, क्योंकि वो अच्छा कुरकुरा टेस्ट मुँह में अच्छा आता है। अभी मम्मी आए हैं चाशनी को चेक करने के लिए। पहले ये बताओ मम्मी की बंगड़ी कैसी लग रही है? ऑरेंज ऑरेंज अच्छी लग रही है ना? बहुत आज मैं बंगड़ी लेने गई थी तो मैंने मम्मी को ऑरेंज कलर की बंगड़ी ला के दी। ये ऐसी क्यों हो गई? इसमें खोवा क्या है ना। अभी मम्मी इसमें क्या डालेंगी सेवई? उसमें बताओ ना कैसे चेक करना है तार। तार कैसे पता चलेगा? हाँ मम्मी बता रहे, अभी गर्म है इसलिए मैं नहीं छूंगी। मम्मी छूंगी, अभी स्पीड में गिर रहा ना, वो स्लो स्लो गिरेगा थोड़ा। अभी और पकाना है इसको थोड़ा, मतलब जब स्लो करेगा तब पक जाता है। चाशनी गाढ़ी हो जाती है तो हो जाता है वो, आप लोगों को समझ जाएगा, हमको नहीं समझ रहे पर हमारे फ्रेंड्स लोग को समझ जाएंगे। केसर डाली इसमें? ककड़ी चिप्स बना रहा हूँ। पापा क्या कर रहे हो तुम? ये ककड़ी चिप्स। ककड़ी चिप्स ये क्या कर रहे हो? इससे क्या आएगा? कड़वापन जाता है, निकलता है। तीखापन की कड़वापन, ककड़ी का जो कड़वापन रहता है ना, हाँ। जो खाओ तो तीखा तीखा लगता है, कड़वा हाँ। कड़वा वो निकल जाता है। अच्छा अच्छा लगता है, मीठा मीठा। पापा को ककड़ी बहुत पसंद, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। अभी इसको कटिंग करने का, अभी देख सकते हो हमारी चाशनी बन चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम सेवई। हम लोग ने इसमें सेवई डाल चुके हैं और गैस की फ्लेम स्लो ही है, इसे ज़्यादा देर पकाना नहीं है। ये ऐसे दिखेगी, आगे का प्रोसेस मम्मी बताएंगे। हमारी की मामा सेवई ना हो जाए, पतली नहीं हो रही है, पतली नहीं वो हो जाती है, गल जाती है। हाँ ये ड्राई फ्रूट गला हुआ नहीं बनाएंगे, ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल दो, क्रंची चाहिए तो अपने को। पर अभी मैं तो घर लेके जाऊंगी ना मम्मी, तो डाल दो। हाँ हो गई। इसी, ये ऐसी दिखेगी, ये इसी उस पे ही फ्लेम को बंद कर देना है, क्योंकि अभी ये शीरा जम जाएगा ना। अब ये ऐसा ही रहेगा,
क्योंकि वो गर्म है शीरा, तो उसी में वो पक जाएंगी ना सेमी। वो अभी ठंडी होगी तो थोड़ी ऐसे ही सूख जाता है। ये ऐसा रहेगा, इसमें तुम चाहे मलाई डाल के ऊपर से खाओ। मलाई डाल के खाओगे तो टेस्ट ही अलग है उसका। बहुत टेस्टी लगती है, एक बार खा के देखना। इसमें ये रेसिपी करते वक्त ऊपर से मलाई डालिए दूध की, गाढ़ी जमी हुई, बहुत ही टेस्टी लगेगी। अभी हमारी रेसिपी ख़त्म हो चुकी है, अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करना ना भूले। आपको रेसिपी कैसी लगी? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।